Wattpad. But before I introduce you about Wattpad, firstly, I want to introduce you with my team members. I am Sana Sakir, or I am team leader. Amai Rawal is the editor. I am Pramod Kumari. I am a script director in this project. I am Sunita Kumari. I am Shahzad Khan. My role is technical support and script writer and cameraman in this project. Friends, now I want to introduce you about Wattpad. Wattpad is a normal text editor. It has advanced features than Notepad, but it is a newer version of Microsoft Office. We can do lots of things on Wattpad, just like we can do text formatting in Wattpad. We can create a resume on Wattpad. Friends, I want to introduce you about the options. How we can start Wattpad on our computer. So I will tell you three options. The first option is, first of all, we go to the start button. Then उसके बाद हम लोग all program में जाएंगे. उसके बाद हम लोग access trees में जाएंगे. उसके बाद हम लोग वर्डपैड पे जाएंगे. इस तरीके से हम लोग वर्डपैड प्रोग्राम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. उसके बाद हम लोग रन में जाएंगे. रन को जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, वैसे ही रन बॉक्स ओपन हो जाएगा. जब रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको वर्डपैड टाइप करना है. वर्डपैड भी आप टाइप कर सकते हो या फिर आप राइट ही टाइप कर सकते हो. उसके बाद टाइप करने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे, बस ये वर्डपैड खुल जाएगा. आप रन बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स. उसके लिए आप विंडो प्लस आर का यूज कर सकते हो. कीबोर्ड में आप जैसे ही विंडो प्लस आर प्रेस करोगे, बस ही आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप कमांड प्रॉम्प्ट के यूज से भी आप वर्डपैड ओपन कर सकते हो. उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, आपको क्या करना है, आपको वहां पे टाइप करना है स्टार्ट स्पेस वर्डपैड टाइप करना है. उसके बाद आपको इंटर कर देना है. तो इस तरीके से आप वर्डपैड प्रोग्राम अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो. तो इस तरीके से आपका वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. इसमें बहुत सारे मेन्यू बार है, टूल बार है, और भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. आपको मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ. फ्रेंड्स देखो, वर्डपैड प्रोग्राम की ऊपर वाली जो लाइन है, जो बिल्कुल ऊपर में है, उसको कहते हैं टाइटल बार. टाइटल बार के राइट साइड में कुछ ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मिनिमाइज के ऑप्शन है, मैक्सिमाइज के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन है. फ्रेंड्स क्लोज ऑप्शन के जस्ट नीचे भी एक ऑप्शन प्रेजेंट होता है, उस ऑप्शन का नाम है हेल्प. अगर आप वर्डपैड प्रोग्राम के बारे में किसी भी तरीके का हेल्प चाहते हो, तो आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हो. चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में. देखिए फ्रेंड्स, वर्डपैड में जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सेव है, अंडू है, रीडू है. तो वन बाई वन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा सेव. ये ऑप्शन का क्या यूज है, तो बोलता है वर्डपैड प्रोग्राम में आपने जो भी मैटर टाइप किया है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, अगर आप चाहते हो कि आप उसको सेव करो किसी भी नाम से, कोई भी स्पेसिफाइड नाम हो, तो आप इसके लिए सेव ऑप्शन को यूज कर सकते हो. जैसे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपको वहां पे ऑप्शंस आएंगे. आप वहां पे जिस नाम से चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को सेव करना, वो नेम टाइप कर देना. फ्रेंड्स अगर आप लोकेशन देना चाहते हो कि आप उसको कहाँ सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप में या फिर लाइब्रेरी में या फिर और भी कोई ऑप्शंस लोकेशन देना चाहोगे आप, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो. उसके बाद जैसे आप ओके करोगे, आपका मैटर, आपका जो डॉक्यूमेंट था वो सेव हो जाएगा. जैसे आपका सेव हो जाएगा, वैसे ही जो वर्डपैड प्रोग्राम है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में जो टाइटल बार है, वहां पे आप जिस नाम से भी सेव करोगे, सेव किया था वो नाम वहां पे शो कर देगा. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स अंडू. ये एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे कि वर्डपैड प्रोग्राम में हम
कोई भी मैटर लिख रहे थे, लेकिन लिखते वक्त क्या हुआ कि गलती से कोई मैटर डिलीट हो गया। हम चाहते हैं वो मैटर लाना, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम लोग अंडू का यूज करते हैं फ्रेंड। मतलब कि अंडू का काम क्या है, तो प्रीवियस स्टेप को वो रिपीट करने का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स रीडू। रीडू एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि वो जो अंडू मैटर था उसको अगर फर्दर आप रिपीट करना चाहते हो, अंडू वाले को अगर फिर से आप रिपीट करना चाहते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो रीडू का। चलिए मैं आप लोगों को आप समझाना चाहती हूँ फाइल मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फाइल मेन्यू का शॉर्टकट की होता है Alt plus F। फाइल मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि न्यू हो गया, सेव हो गया, सेव एज के ऑप्शन होते हैं, पेज सेटअप होता है, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, प्रिंट हो गया, एग्जिट हो गया। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू। न्यू एक ऐसा ऑप्शन है जो फाइल मेन्यू के अंदर आता है। इसका काम क्या है, तो अगर आप चाहते हो वर्डपैड प्रोग्राम में कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना, तो उसके लिए आप न्यू का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सेव। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार के भी सेव ऑप्शन था, सेव यहीं पे, यहां पे भी सेव का वही काम है। किसी भी मैटर को अगर आप वर्डपैड प्रोग्राम में सेव करना चाहते हो तो आप उसको सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेव एज। ये सेव और सेव एज क्या है, तो सेव एज सेव किए हुए फाइल को यूज करने के लिए होता है। जो पहले से आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपने कोई फाइल या कोई भी मैटर सेव करके रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसी मैटर को किसी और नाम में सेव कर लें, या फिर उसमें कुछ मॉडिफाइड आए फिर उसको सेव करें, या आप चाहते हो कि हम उसका लोकेशन चेंज कर दें। पहले मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे, हम चाहते हैं लाइब्रेरी में भी सेव कर दें। इस सिचुएशन में हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज सिर्फ किए हुए मैटर के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फ्रेंड्स पेज सेटअप। नेम से ही लग रहा है पेज, ये पेज को सेट करने का काम करता है। जैसे आपको लेफ्ट पे कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, आपको दो लाइंस के बीच का स्पेस कितना रखना है, ये सारी चीज आपको पेज सेटअप में मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स जो फाइल मेन्यू के अंदर तो आता है, लेकिन इसका काम क्या है, तो प्रिंट जैसे जिस भी डॉक्यूमेंट को, जिस भी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हो, उसको अगर प्रिंट होने से पहले आप देखना चाहते हो अगर कि क्या प्रिंट होने वाला है, इस कंडीशन में आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर सकते हो। मतलब प्रिंट होने से पहले वो आपको दिखाएगा क्या प्रिंट होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन को यूज हम लोग करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एग्जिट। ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर हम चाहते हैं वर्डपैड प्रोग्राम खुला हुआ है, हम चाहते हैं उससे हम बाहर निकले, एग्जिट करें, इस कंडीशन में हम लोग फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमारा वर्डपैड प्रोग्राम जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आगे ले चलती हूँ, आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि होम टैब का शॉर्टकट की होता है Alt plus H। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन बताती हूँ। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कट हो गया, कॉपी होते हैं, पेस्ट होता है, उसके अंदर एक और ऑप्शन आता है पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल नाम का एक ऑप्शन होता है। चलो मैं आप लोगों को वन बाय वन बताती हूँ ये क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कट। कट एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड, आपने कोई भी मैटर जो टाइप किया है, आप चाहते हो किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को कट करना, दैट इज वहां से हटाना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो आप जिस भी वर्ड को, जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी मैटर को कट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद उससे क्या होगा, आपका कट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कट पर जैसे ही क्लिक करोगे वो कट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि फिर से हम ट्राई जिसको मैंने कट किया है तो आप पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट करके ला सकते हो। कॉपी क्या है फ्रेंड्स, तो कॉपी भी उसी तरीके का ऑप्शन है, कट करके आप किसी मैटर को कट कर सकते हो, फिर से अगर उसको लाना है तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी और पेस्ट में फर्क क्या है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉपी का क्या काम है और पेस्ट का क्या काम है। आपने जिस मैटर को कट किया है, जहां पे से कट किया है वहीं पे अगर आपको लाना है, उस
क्लिक करोगे वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पेस्ट स्पेशल। नाम से ही लग रहा है स्पेशल, तो स्पेशल टाइप का ये पेस्ट है। ये क्या होगा, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को लिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे वर्डपैड को अगर आप पावर पॉइंट से लिंक करना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वर्डपैड को हम चाहते हैं फोटोशॉप से लिंक करना तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वर्डपैड को हम चाहते हैं एक्सेल से लिंक करना तो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी मतलब जैसा है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को लिंक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक स्टेप्स बताती हूँ पेस्ट स्पेशल का, जिसमें हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग वर्डपैड को एक्सेल से लिंक करते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द एक्सेल प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द सम एरिया। अगर हम चाहते हैं कि वर्डपैड को हम एक्सेल से लिंक करें उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है, वहां कुछ एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको वर्डपैड खोलना है। वर्डपैड खोल के आपको पेस्ट पे जाना है। पेस्ट में जाकर आपको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके वर्डपैड प्रोग्राम में एक्सेल का जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया था ना वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, वो हाईलाइट हो चुका है, आप एक्सेल वाला जो एरिया हाईलाइट हुआ उसमें जो भी चीज टाइप करोगे ऑटोमेटिकली वो आपके वर्डपैड प्रोग्राम में डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक्सेल को वर्डपैड से लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसके बाद है फॉन्ट। फ्रेंड्स फॉन्ट में क्या है फ्रेंड्स, तो फॉन्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ड प्रोग्राम में वर्डपैड प्रोग्राम में हमें कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फाइल बना रहे हैं हम चाहते हैं उसका फॉन्ट साइज चेंज करना, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज का। एक होता है वहाँ पे फ्रेंड्स फॉन्ट स्टाइल। चलिए हमने कोई भी मैटर लिखा है हम चाहते हैं वो थोड़ा कर्सिव दिखाए, थोड़ा स्टाइलिश दिखे, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आपको जिस स्टाइल में कन्वर्ट कर रहा है वो आप यूज कर सकते हो। देखो एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स ग्रो फॉन्ट, तो इसका काम फॉन्ट साइज की तरह ही है बट ये ग्रो फॉन्ट मतलब फॉन्ट को ग्रो करेगा, बड़ा करेगा स्टेप बाय स्टेप। उसी टाइप से रहेगा श्रिंक फॉन्ट, ये आपके फॉन्ट को श्रिंक करेगा दैट मींस स्मॉल करेगा, स्टेप बाय स्टेप छोटा करेगा, छोटा करके आपको दिखाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा, हम लोग अपने मैटर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक मतलब टेढ़ा करके थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, हम इटैलिक का यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम हाईलाइट स्ट्राइक थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या है, तो मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, हम चाहते हैं इसको कटा हुआ दिखाना चाहिए, लाइन बीच में आ गए इससे लगे कि ये कटा हुआ है, तो हम स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को पहले सब स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स जैसे कि हमने लिखा H2O, हाइड्रोजन के बेस में 2 लिखना है हमें, दैट्स द सबस्क्रिप्ट, बेस में लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस में अगर आपको लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन के बेस में 2 लिखा जाएगा। अगर हम चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट का कहां पर यूज है फ्रेंड्स, तो हम चाहते हैं अगर एक्स स्क्वायर लिखना दैट मींस पावर में करना चाहते हैं स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा, हम किसी वर्ड को किसी टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, हाईलाइट कलर का यूज करके। फिर हम लोग फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने मैटर टाइप किया है, अगर हम चाहते हैं किसी और कलर में रहा है, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और कलर में लिखते हैं ताकि वो थोड़ा स्टाइलिश दिखे हमारा, तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा इस तरीके का डायलॉग बॉक्स है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग नाम से ही लग रहा है फ्रेंड्स पैराग्राफ है, मतलब जस्ट पैराग्राफ की सेटिंग है। इस पैराग्राफ में लेफ्ट मार्जिन कितनी होनी चाहिए, राइट मार्जिन हमें कितना देना है, दो लाइन के बीच का स्पेस कितना देना है। पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि हम बुलेट यूज करें या फिर नंबरिंग 1, 2, 3, 4 ABCD बुलेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं,
जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब पता है फ्रेंड्स क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब होता है पैराग्राफ स्टाइल लिखना। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स इंसर्ट। इंसर्ट एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाके इंसर्ट करते हैं। जैसे इस पिक्चर को आप इंसर्ट, मान लीजिए हम भी वर्डपैड प्रोग्राम कुछ बना रहे थे कोई फाइल, हम चाहते हैं इसमें हम कोई पिक्चर इंसर्ट करें, पिक्चर भी लाना है वहां पे, तो उस कंडीशन में हम लोग इंसर्ट का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहां पे डेट एंड टाइम लाएं, कोई पेन ड्राइव करें, इस कंडीशन में हम लोग इंसर्ट का यूज करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पिक्चर। पिक्चर एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स जो इंसर्ट के अंदर होता है, फ्रेंड्स इंसर्ट में आता है। पिक्चर से क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो हम मान लीजिए कि एक वर्डपैड प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, वर्डपैड प्रोग्राम में हम कोई फाइल बना रहे हैं, हम चाहते हैं वहां पे कोई पिक्चर लाना, लेकिन यहाँ पे हम वो पिक्चर ला पाएंगे फ्रेंड्स जो हमारे सिस्टम में सेव है, हमारे कंप्यूटर में सेव है। अगर आप चाहते हो कोई ऐसा पिक्चर है जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव था, उसको आप लाना चाहते हो अपने फाइल के अंदर, इस कंडीशन में आप पिक्चर का यूज कर सकते हो। पिक्चर का यूज करना, वहां से आप ला सकते हो, मतलब इंसर्ट कर देना। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ऐसा टूल है फ्रेंड्स कि आपको क्या करेगा, तो वर्डपैड प्रोग्राम को पेन ड्राइव से लिंक करने का काम करता है फ्रेंड्स। जैसे ही हम लोग पेन ड्राइव पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, बस ये पेन ड्राइव प्रोग्राम ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आपको जो भी चाहिए, जैसा भी आपको ड्राइव करना है बस आप ड्रा कर सकते हो। जैसा भी आप ड्रा करोगे, जैसे ही आप पेन ड्राइव को क्लोज करोगे, ऑटोमेटिकली जो ड्राइंग आपने पेन ड्राइव प्रोग्राम में किया था वो ऑटोमेटिकली आपको वर्डपैड प्रोग्राम में शो करने लगेगा। तो पेन ड्राइव का क्या काम हुआ फ्रेंड्स, तो पेन ड्राइव क्या करता है, तो पेन ड्राइव आपको वर्डपैड से लिंक करने का काम करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा डेट एंड टाइम। चलिए वर्डपैड प्रोग्राम में मैंने कुछ भी मैटर लिखा, हम चाहते हैं कहीं पर डेट लाना, तो जहां पे आपको डेट लाना है फ्रेंड्स वहां पे आप अपने कर्सर को लेकर जाइए, जहां पे भी लाना है वहां पे अपना कर्सर रखिए, उसके बाद आप डेट एंड टाइम में जाइए। जैसे आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे आपको डेट एंड टाइम का बहुत सारा फॉर्मेट आएगा। आपको जिस स्टाइल का चाहिए डेट एंड टाइम, जिस फॉर्मेट में चाहिए आप उसको क्लिक कर सकते हो। आप जिसको क्लिक करोगे आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एडिटिंग। एडिटिंग एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है फ्रेंड्स जिसमें फाइंड आउट कर सकते हैं किसी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, एक ही टाइम पे सबको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ फाइंड क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए कि हमने वर्डपैड प्रोग्राम में कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई फाइल ही है, हम चाहते हैं कोई पार्टिकुलर वर्ड फाइंड करना कि वो कहाँ कहाँ पे है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एडिटिंग में जाकर फाइंड में जाना, आपको जो वर्ड टाइप करना है आप वो वर्ड वहां पे टाइप करना। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे बस ये आपको शो करने लगेगा, उसके आगे देखना चाहते हो कि ये वर्ड और कहां कहां आ रहा है, फाइंड नेक्स्ट करते जाओगे आपको वैसे वैसे शो करता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। एक ऑप्शन था वहां पे फ्रेंड्स रिप्लेस। रिप्लेस क्या है, तो चलिए आपने जो भी पैटर्न लिखा है उसके किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को आप रिप्लेस करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का क्या यूज है फ्रेंड्स, एट अ टाइम एक ही टाइम पे आपको सबको सिलेक्ट करना चाहते हो सारे मैटर को, तो आप सिलेक्ट ऑल का यूज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ व्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स व्यू का शॉर्टकट की होता है Alt प्लस W। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है फ्रेंड्स जैसे कि जूम होता है, शो एंड हाइड के ऑप्शन होते हैं, और एक ऑप्शन होता है फ्रेंड्स सेटिंग। मैं आपको बताती हूँ जूम के बारे में पहले। जूम एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स जो हमारे व्यू के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, और इसमें क्या करना है, जूम क्या करेगा तो वो आपको बताएगा कि आप अगर जानना चाहते हो कि आपकी जो टाइम क्या है उसको बड़ा करके देखना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, लार्ज या स्मॉल करके जूम इन